हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसरा सर। हम पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ पैडी या धान की खेती, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट, सॉयल, इम्प्रूव्ड वराइटीज, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, टाइम ऑफ सोविंग आदि चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। टाइम ऑफ सोविंग या बुआई की विधियों के बाद आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन या धान की खेती के प्रकार या मेथड्स ऑफ सोविंग, मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन या धान की खेती किन किन विधियों से की जाती है, किन किन विधियों से हम धान की खेती कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन या धान की खेती के प्रकार। अगला है हमारा काइंड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, काइंड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन या धान की खेती के प्रकार। ठीक, अगला है काइंड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन या सोइंग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन या धान की खेती के प्रकार या धान की बुआई की विधियां। तो धान की बुआई की या धान की खेती दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? धान की खेती दो प्रकार से की जाती हैं, कौन कौन सी? नंबर एक, फर्स्ट है डायरेक्ट सोविंग या हिंदी में सीधी बुआई कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट सोविंग या सीधी बुआई। और सेकंड है ट्रांसप्लांटिंग। फर्स्ट है डायरेक्ट सोविंग या सीधी बुआई, सेकंड ट्रांसप्लांटिंग मेथड या हिंदी में रोपाई विधि। ठीक, सेकंड है ट्रांसप्लांटिंग मेथड या रोपाई विधि। निम्न दो विधियां या जो दो विधियां हैं, इन दो विधियों से हम धान की खेती करते हैं या धान की खेती कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन सी? फर्स्ट है डायरेक्ट सोविंग या सीधी बुआई और सेकंड है ट्रांसप्लांटिंग मेथड या रोपाई विधि। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सोविंग या सीधी बुआई क्या होती है। डायरेक्ट सोविंग में हम क्या करते हैं कि जब धान के खेत को हम अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं या अच्छी तरह से तैयार किए गए खेत में धान का जो सीड होता है, जितना रूप हमको आवश्यक होता है, उस सीड को हम ले जा करके सीधी विधि द्वारा या डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग मेथड से छिटकाव विधि से खेत में धान के बीजों को बो दिया जाता है। फिर एक जुताई करके खेत में मिला देते हैं तथा पाटा लगाकर खेत को समतल कर देते हैं। इस प्रकार से जो बुआई की जाती है उसे हम सीधी बुआई कहते हैं या डायरेक्ट सोविंग कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम धान की खेती भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो डायरेक्ट सोविंग है बहुत पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, पहले प्रयोग की जाती थी। धीरे धीरे इस विधि का प्रचलन नहीं है अब, जब मोस्टली जो है ट्रांसप्लांटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट सोविंग बहुत ही कम प्रयोग की जाती। ठीक, तो डायरेक्ट सोविंग या सीधी बुआई में क्या करते हैं कि ठीक प्रकार से, अच्छी प्रकार से तैयार किए गए खेत में हम धान के बीज को ले जा करके छिटकवा विधि या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बुआई कर देते हैं। फिर एक जुताई करके बीजों को मिट्टी में मिला देते हैं और पाटा लगाकर खेत को समतल कर देते हैं और उचित आकार की क्यारियों तथा नालियों में हम उनको बांट देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। ठीक, यह हो गया सीधी बुआई। दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग मेथड या रोपाई विधि। ट्रांसप्लांटिंग मेथड या रोपाई विधि में हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की या इस विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले धान की या धान के बीजों को अलग खेत में हमें नर्सरी तैयार करना होता है। जब नर्सरी से पौध तैयार हो जाती है, फिर उस पौध को ले जा करके हमें तैयार किए गए खेत में हम पौध की रोपाई कर देते हैं। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड या रोपाई विधि कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम धान की अलग पौध तैयार कर लेते हैं, अलग एरिया या नर्सरी तैयार कर लेते हैं। फिर नर्सरी से जो पौध तैयार होती है उसको हम ले जाकर तैयार किए गए खेत में उसकी हम रोपाई उचित आकार पर या उचित दूरी पर उसकी हम रोपाई कर देते हैं। यह विधि हमें ट्रांसप्लांटिंग मेथड या रोपाई विधि कहलाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी किस प्रकार से या किन किन विधियों से तैयार की जाती है। ठीक, अगला क्या है? धान की पौध तैयार करने की विधियां।
अगला क्या है, धान की पौध तैयार करने की विधियाँ। जो नर्सरी में हम धान की पौध तैयार करते हैं जो भी है उस हम किन किन विधियों से तैयार करते हैं, तो हम बात करते हैं धान की पौध तैयार करने की विधियाँ। धान की पौध तैयार करने की निम्न विधियाँ हैं कौन कौन सी, धान की पौध तैयार करने की निम्न विधियाँ हैं कौन कौन सी हैं धान की पौध तैयार करने की। फर्स्ट है धान की पौध तैयार करने की निम्न विधियाँ हैं जिसमें फर्स्ट है वेट मेथड। फर्स्ट क्या है, वेट मेथड या हिंदी में भीगी विधि कहते हैं। ठीक, फर्स्ट है वेट मेथड या भीगी विधि। सेकंड है ड्राई मेथड, हिंदी में शुष्क विधि कहते हैं। फर्स्ट है वेट मेथड या भीगी विधि, सेकंड ड्राई मेथड या शुष्क विधि, थर्ड डेपोक मेथड, थर्ड है डेपोक मेथड या डेपोक विधि। ठीक, डेपोक मेथड। और फोर्थ है एसआरआई मेथड। फोर्थ क्या है, एसआरआई मेथड या हिंदी में श्री पद्धति भी कहते हैं। ठीक, फोर्थ क्या है, एसआरआई मेथड या श्री पद्धति। तो ये निम्न चार विधियां हैं जिन विधियों से हम धान की पौध तैयार करते हैं। ठीक, कौन कौन सी, फर्स्ट वेट मेथड, सेकंड ड्राई मेथड या शुष्क विधि, थर्ड डेपोक विधि डेपोक मेथड, और फोर्थ एसआरआई मेथड या श्री पद्धति। इन विधियों से हम धान की पौध तैयार कर लेते हैं। ठीक, अब धान की पौध तैयार करने की हम बात करते हैं। जो फर्स्ट विधि है वेट मेथड या भीगी विधि है, ये क्या होती है, इस विधि में हम किस प्रकार से धान की पौध तैयार करते हैं। तो जो धान की पौध तैयार करने की ये दो विधियां हैं, वेट मेथड और ड्राई मेथड, वो दोनों लगभग सेम है। अंतर क्या है कि जो वेट मेथड होता है, कौन सा वेट मेथड, वेट मेथड या भीगी विधि, क्योंकि नाम से ही आपको पता है कि इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा खेत होता है उस खेत में, जो इस खेत में हमको धान की नर्सरी तैयार करनी है, उस एरिया या उस क्षेत्रफल में हमको पहले पानी भर देना है। पानी भर देने के बाद हम खेत की जुताई कर देंगे। खेत की जुताई करने के लिए हम चाहे तो मिट्टी पलट हल से या कल्टीवेटर आदि से करके कम से कम 3 से 4 जुताइयां करके पाटा लगा करके खेत को लेह युक्त कर लेते हैं या पलेवा करके खेत को तैयार कर लेते हैं। ठीक, वेट मेथड में हम खेत में पानी भर करके, पानी भरने के बाद उसमें जुताई करके फिर पाटा लगा करके खेत को बराबर कर देते हैं तथा लेह युक्त मिट्टी तैयार कर लेते हैं। और लेह युक्त मिट्टी तैयार कर लेने के बाद फिर पानी को छोड़ दिया, खेत को तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। पानी जब मिट्टी में सोख जाता है या पानी नहीं बचता है खेत में, तो 1 दिन बाद हम उस खेत में धान के बीज की बुआई कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार या इस विधि में कम से कम 20 से 22 दिन में धान की पौध तैयार हो जाती है। ठीक, और जो दूसरा ड्राई मेथड है, पहला तो वेट मेथड और ड्राई मेथड जो है या इसको शुष्क विधि कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, भीगी विधि में हम खेत को पानी भर करके तैयार करते हैं, और ड्राई मेथड या शुष्क विधि जो होती है ये वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब वर्षा नहीं होती शुष्क अवस्था में ही खेत की जुताई करके, जब खेत की जुताई करते हैं उसी समय हम खाद उर्वरकों को भी मिला देते हैं खेत में, और खेत की जुताई करके पाटा लगा करके खेत को समतल करके खेत को तैयार कर लेते हैं, और शुष्क अवस्था में ही बीज की बुआई ड्राई मेथड में या शुष्क विधि में हम कर देते हैं। ठीक, वेट मेथड में खेत में पानी भर करके पलेवा लगाते हैं, मिट्टी की जुताई करके पलेवा लगा करके तब खेत को तैयार करते हैं जिससे लेह युक्त मिट्टी तैयार हो जाती है। और फिर जब खेत में पानी नहीं बचता है उसके बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हम जब पानी खत्म हो जाए हमारी नर्सरी वाली खेत से, फिर उसमें हम बीज की बुआई कर देते हैं। और ड्राई मेथड में क्या करते हैं कि खेत को शुष्क अवस्था में ही जुताई करके 3 से 4 जुताई मिट्टी पलट हल से करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं, उचित आकार की क्यारियों तथा नालियों में भी डिवाइड कर लेते हैं। हम चाहे फिर नालियों में बीज की बुआई कर सकते हैं या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी शुष्क विधि में हम बीज की बुआई कर देते हैं। ठीक, इन दोनों विधियों में सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि जो पौध तैयार होती है वो लगभग 20 से 22 दिन में या 20 से 21 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है। अगर हम बात करें कि ड्राई मेथड या वेट मेथड में हमें कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी हमें नर्सरी करने के लिए, या कितना एरिया लगता है दोनों विधियों में, तो अगर बात करें वेट मेथड और ड्राई मेथड में, तो जो नर्सरी के लिए हमें एरिया चाहिए वो लगभग कितना होना चाहिए,
टोटल क्षेत्रफल के जितने क्षेत्रफल में हमको धान की पौध तैयार करनी है, ठीक, या जितने क्षेत्रफल में हमको पौध की रोपाई करनी है या धान की रोपाई करनी है, उस पूरे क्षेत्रफल का 10% भाग या 1/10% एरिया जो होता है वो पर्याप्त होता है धान की नर्सरी तैयार करने के लिए, ठीक। सपोज करिए, मान लीजिए हमको 1 हेक्टेयर में पौध की रोपाई करनी है या 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई करनी है, ठीक। तो 1 हेक्टेयर बराबर चूंकि होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया का जितने खेत में हमको रोपाई करनी है धान की पौध की, उस एरिया की 10% या 1/10 भाग जो होता है वो पर्याप्त होता है धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। तो इसके लिए जैसे हम बात करें तो 10,000 का 1/10 कितना होगा, 1,000 मीटर स्क्वायर। यानी 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए या 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई करने के लिए हमको 1,000 मीटर स्क्वायर एरिया जरूरत होगा, किसके लिए, नर्सरी के लिए। यानी इस क्षेत्र एरिया का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1,000 मीटर स्क्वायर। 1,000 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होगा उसमें हम 1 हेक्टेयर की नर्सरी पौध की कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो 1,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा उस एरिया या उस क्षेत्रफल को हम चाहे वेट मेथड से या ड्राई मेथड से अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। तैयार करते समय ही हम उस खेत में जुताई के समय हम उचित मात्रा में कंपोस्ट खाद का DAP, नाइट्रोजन या फास्फोरस आदि की मात्रा को भी मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमारा खेत तैयार हो जाएगा, तो जब खेत में अगर वेट मेथड से बुआई करना है तो पानी ना रहने कंडीशन में क्या करेंगे, धान की हमें बुआई कर देना है। बुआई करते समय हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा सीड है उसको हम पहले बीज उपचार कर लेते हैं, चाहे वो आप इंसेक्टीसाइड या फंजीसाइड दवाओं से, जैसे थायराम है, कैप्टान है, इन दवाओं से आप 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें बीज को उपचार कर लेना है। साथ ही साथ नर्सरी की मिट्टी को अगर आप चाहें तो फंजीसाइड से भी या फंजीसाइड दवाओं से उपचारित कर लेते हैं, जिससे कि हमारे खेत में या हमारी नर्सरी में रोग लगने ना पाए, क्योंकि नर्सरी के लिए हमें नर्सरी में अक्सर बहुत सारे रोग लग जाते हैं। इससे बचाव के लिए हमें हमेशा बीज को उपचारित कर लेना है, नर्सरी की मिट्टी को उपचारित कर लेना, साथ साथ इंसेक्टीसाइड पाउडर चाहे लिंडेन हो, एल्डिन हो, मालाथियन, मेटासिस्टाक्स हो, उसको उचित मात्रा में मिट्टी में हमें मिला देना है, जिससे कि जो सीड में या प्लांट्स में या छोटी छोटी पौध तैयार होगी उसमें लगने वाले इंसेक्ट या कीट हैं उनका भी प्रकोप नहीं के बराबर हो जाता है या उनका भी प्रकोप कम हो जाता है। और इस प्रकार से हम एक अच्छी प्रकार या बहुत अच्छी पौध खेत में तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो ड्राई मेथड और वेट मेथड में एरिया कितना चाहिए, 1,000 मीटर स्क्वायर। कितने के लिए, टोटल क्षेत्रफल अगर 1 हेक्टेयर में हमको रोपाई करना तो 1,000 मीटर स्क्वायर एरिया जरूरत होती। कहने का मतलब ये कि जितने क्षेत्रफल में हमको पौधे की रोपाई करना है या जितना एरिया हमको चाहिए जितने में हमको धान की रोपाई करना है, उस पूरी एरिया का 10% भाग या 1/10 भाग जो होता है वो पर्याप्त होता है धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। और 1 हेक्टेयर में मैंने बताया भी था आपको कि सीड रेट कितना लगता है, लगभग 12 से 15 किलोग्राम। कितना सीड रेट लगता है, 12 से 15 किलोग्राम। हाइब्रिड जो संकर किस्मों का होता है बीज, हाइब्रिड किस्में कितने लगता है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज की बुआई खेत में कर देते हैं, चाहे आप फिर ड्राई मेथड से करें और वेट मेथड से करें। इसके साथ साथ बुआई से पहले हम सीड को थायराम या कैप्टान दवा से उपचारित कर लेंगे। दवा की मात्रा 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज को उपचारित कर लेंगे। इसके साथ साथ नर्सरी की मिट्टी को फॉर्मेल्डिहाइड या किसी भी फंजीसाइड दवा से उपचारित कर लेंगे। साथ ही साथ उस मिट्टी में या नर्सरी की मिट्टी में हमें इंसेक्टीसाइड पाउडर चाहे लिंडेन हो, एल्डिन हो, मेटासिस्टाक्स, मेलाथियन आदि की उचित मात्रा मिला देते हैं, जिससे कि हमारे खेत में जो मृदा से लगने वाले कीट हैं, जो भी चाहे दीमक हो या आदि कई सारे कीट हैं जो हमारी प्लांट्स को काट के नुकसान पहुंचा देते हैं, उनका भी प्रकोप खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक। और इस प्रकार हम धान की नर्सरी तैयार कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया वेट मेथड और ड्राई मेथड, शुष्क विधि तथा गीली विधि। किस प्रकार से हम शुष्क विधि में धान की पौध तैयार करते हैं और किस प्रकार हम गीली विधि में धान की पौध तैयार करते हैं, ठीक। इस मेथड के बाद, वेट मेथड और ड्राई मेथड के बाद, अब हम बात करते हैं डेपोक मेथड या डेपोक विधि की। डेपोक विधि में हम धान की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करते हैं, ठीक। अगला है हमारा थर्ड, अगला क्या है, थर्ड तीसरा डेपोक मेथड, ठीक। वेट मेथड और ड्राई मेथड के बाद अगला है डेपोक मेथड या डेपोक विधि, ठीक। अगला क्या है, डेपोक मेथड। चूँकि भारत में ज़्यादातर तो वेट मेथड का ही प्रयोग किया जाता है, गीली विधि या भीगी विधि का ही प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ, हम लोग ज़्यादातर या भारत में ज़्यादातर वेट मेथड या भीगी विधि का प्रयोग किया जाता है। जो डेपोक मेथड है, यह विधि सबसे ज़्यादा कहाँ प्रयोग की जाती है, डेपोक मेथड का सबसे अधिक प्रचलन कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक। इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रचलन फिलीपींस में है,
फिलीपींस में है। ठीक, जो डेपोक मेथड है यह सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? फिलीपींस में है। भारत में आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं, आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा यह विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि में हम कैसे नर्सरी तैयार करते हैं? तो जो डेपोक मेथड होता है, इस विधि में हमको बिना मिट्टी के ही हम बीज की नर्सरी तैयार कर लेते हैं। ठीक, कैसे? इस विधि में, इस विधि में नर्सरी तैयार करने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, डेपोक मेथड में हम अगर नर्सरी डेपोक मेथड से तैयार कर रहे हैं तो इस विधि में हमको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में यह बहुत कम प्रचलित है। इसका सबसे अधिक प्रचलन कहाँ है? फिलीपींस में है। भारत में आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं उनके द्वारा यह विधि प्रयोग की जाती है। इस विधि में अगर हम बिना मिट्टी की नर्सरी तैयार करते हैं तो किस प्रकार तैयार करते हैं? तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास, अगर डेपोक मेथड हम प्रयोग कर रहे हैं तो इस विधि में क्या करेंगे, चाहे पक्के फर्श पर या मिट्टी के ऊपर बोरा, टाट, केले की पत्ती आदि चीज़ों से हम उसको ढक देंगे। ढक देने के पश्चात हम क्या करेंगे कि बीज को, जो हमारे पास धान के सीड होंगे या धान के बीज होंगे, उनको हम 10 से 12 घंटे पानी में भिगो करके, जो हमारे पास धान की सीड होंगे उनको हम क्या करेंगे, 10 से 12 घंटे पानी में भिगो देंगे। भिगो देने के पश्चात बीज को शुष्क अवस्था में हम अंकुरित करा लेते हैं। जब बीज में अंकुए निकल आए, ठीक, जब बीज में अंकुए निकल आए या अंकुरित बीजों को हम फैलाए गए टाट पर या बोरे पर या केले की पत्ती या आर पुआल या किसी भी पत्ती पर जो भी हमने फैलाए हुए हैं या पक्के फर्श पर हम बीजों को फैला देते हैं। इस प्रकार 10 से 12 दिन में ही हमारी पौध तैयार हो जाती है। ठीक, करते अगर हम बात करें कि इस प्रकार या इस मेथड में हमको कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा पौध तैयार करने के लिए, तो इस विधि में लगभग कितना क्षेत्रफल आवश्यक होता है? अगर डेपोक मेथड से हमको नर्सरी तैयार करना है तो एक हेक्टेयर के लिए, कितने के लिए, एक हेक्टेयर के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर्याप्त होता है। किसके लिए? डेपोक मेथड से नर्सरी तैयार करने के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर पक्का फर्श है तो, अदरवाइज हम केले की पत्ती, टाट, पुआल या बोरे, टाट आदि से हम इसको भिगो करके ढक देंगे, उसके ऊपर पानी भिगो डाल देंगे जिससे नम हो जाए। नम होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीज होगा, सीड को हम 10 से 12 घंटे पानी में भिगो लेंगे और पानी में भिगो लेने के बाद उसको निकाल करके शुष्क अवस्था में हम उसको अंकुरित करा लेते हैं। जब बीज में अंकुए निकल आते हैं फिर इनके या जहाँ एरिया पर हमारा टाट बोरा आदि हमने फैलाया हुआ है उसके ऊपर हम बीज को फैला देते हैं, बीज को डाल देते हैं। एक मीटर स्क्वायर में लगभग 3 किलोग्राम बीज को फैलाते हैं और जो मोटाई होती है उसकी वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 3 सेंटीमीटर या एक बीज के ऊपर लगभग 3 बीज के बराबर की मोटाई हम प्रयोग करते हैं। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर में लगभग 3 किलोग्राम बीज को हम फैलाते हैं और लगभग 3 सेंटीमीटर की मोटाई में हम बीजों को फैला देते हैं तथा दिन में कम से कम 3 से 4 बार बीजों को फैला देने के बाद हमको उन बीजों को, चाहे नम टाट से, बोरे से या प्लास्टिक से या पुआल से, हम बीजों को ढक देंगे तथा दिन में 3 से 4 बार पानी का छिड़काव हम फवारे से या स्प्रेयर से करते रहते हैं। जब बीज अंकुरित हो जाए, उसमें प्लांट में पौधे निकलने लग जाए, फिर हम उसके ऊपर से हटा देते हैं और इस प्रकार जो होता है कम से कम 10 से 12 दिन में, ठीक, कितने दिन में, 10 से 12 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ठीक, 10 से 12 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ठीक, कितनी क्षेत्रफल फैलाना है, 1 मीटर में लगभग 3 किलोग्राम हमको बीज फैलाना है। 25 से 30 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर्याप्त होता है किसके लिए, कितने के लिए, एक हेक्टेयर के लिए बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक, अगर एक हेक्टेयर पौध की या एक हेक्टेयर के लिए हमको पौध तैयार करनी है किसके द्वारा, डेपोक मेथड के द्वारा, तो हमको एरिया कितना चाहिए, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। और इस विधि में बीज भी बहुत कम लगता है तथा पौध बहुत जल्दी हमारी तैयार हो जाती है, लगभग 10 से 12 दिन में ही तैयार हो जाती है तथा हमको इस विधि में मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम इस विधि में चाहे पक्का फर्श हो, पुआल अथवा बोरा, टाट, केले की पत्ती आदि से हम मिट्टी को ढक देते हैं। ढकने के बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं जिससे वो नम हो जाए। इसके बाद हम बीज को पानी में 10 से 12 घंटे भिगो देते हैं। बीज को कितने घंटे के लिए, 10 से 12 घंटे भिगो देते हैं
फिर शुष्क अवस्था में बीजों को अंकुरित करा लेते हैं। ठीक, फिर शुष्क अवस्था में बीजों को अंकुरित करा लेते हैं। फिर अंकुरित किए हुए बीज को हम इस एरिया या इस क्षेत्रफल में कम से कम 1 मीटर स्क्वायर में हम 3 किलोग्राम बीज को फैलाते हैं, और उसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 3 सेंटीमीटर की मोटाई में हम बीज को फैला देते हैं। एक बीज के ऊपर लगभग 3 से 4 बीज का मोटाई होनी चाहिए, 3 से 4 बीज हम एक बीज के ऊपर लगभग रख सकते हैं। इस प्रकार हम 10 से 12 दिन में ही पौध को तैयार कर लेते हैं। और इस विधि में हमें क्या करना है कि अलग खाद या उर्वरक देने की भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार हमको स्प्रेयर से या किसी भी माध्यम से हमको पानी का छिड़काव करते रहना है, तथा 10 से 12 दिन में ही डेपोक मेथड से हमारी पौध आसानी से तैयार हो जाती है। और सबसे ज़्यादा यह विधि कहाँ प्रचलित है, तो यह भी सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो फिलीपींस में प्रचलित है। भारत में इस विधि का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के जो किसान हैं, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा, ठीक, आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा यह विधि प्रयोग की जाती है। ठीक, यह हो गई डेपोक मेथड या डेपोक विधि। डेपोक विधि से हम किस प्रकार धान की पौध तैयार कर लेते हैं। ठीक, डेपोक मेथड के बाद एक और है हमारा अगला, SRI मेथड या श्री पद्धति। श्री पद्धति क्या है, अगर हम बात करें श्री पद्धति की डेपोक मेथड के बाद, तो अगला है हमारा श्री पद्धति या SRI मेथड। फोर्थ क्या था, फोर्थ हमारा जो था वो था SRI मेथड या श्री पद्धति। ठीक, अगला हमारा क्या है, SRI मेथड या श्री पद्धति। यह जो विधि है सबसे ज्यादा फिलीपींस में यह भी प्रचलित, यह विधि जो बहुत ही प्रचलित विधि है फिलीपींस में या इसराइल में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, फ्रांसीसी पादरी किसने, इस विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग फ्रांसीसी पादरी हेनरी डे लाउलानी। ठीक, हेनरी डे लाउलानी ने 1983 में किया, 1983 में कहां पर, मेडागास्कर। सबसे अधिक यहां प्रचलित विधि है, माफ कीजिए, सबसे अधिक यहां प्रचलित है कहां पर, मेडागास्कर में। इसराइल में भी प्रचलित है लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित यह मेडागास्कर में है। ठीक, इस विधि का सबसे अधिक प्रचलन कहां है, मेडागास्कर में। और इस विधि को सबसे पहले किसने प्रयोग किया, फ्रांसीसी पादरी हेनरी डे लाउलानी ने 1983 में मेडागास्कर में विकसित किया। इसीलिए इस विधि को हम मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। ठीक, जो SRI पद्धति है या श्री पद्धति है SRI मेथड में, इस विधि का सबसे ज्यादा पहले प्रयोग किसने किया, फ्रांसीसी पादरी हेनरी डे लाउलानी ने 1983 ईस्वी में मेडागास्कर में किया। इसीलिए इस विधि को हम मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। और सबसे अधिक प्रचलित या फ्रांस में भी, फिलीपींस में है फ्रांसीसी जो है, या इसके अलावा इसराइल आदि देशों में भी इसका हम प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। SRI का अगर चाहें तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, SRI का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक, SRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें, SRI का फुल फॉर्म क्या है, या SRI का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या SRI कब प्रयोग की गई। तो इस विधि का प्रयोग सबसे पहले 1983 में फ्रांसीसी पादरी हेनरी डे लाउलानी ने किया, इसलिए इस विधि को मेडागास्कर में प्रयोग किया था, इसलिए इसको हम मेडागास्कर विधि कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक, सब विधियों की अपेक्षा यह अधिक प्रचलित भी है और बहुत ही कम समय में इसमें धान तैयार किया जाता है, धान की पौध भी तैयार की जाती है। साथ साथ अगर इस विधि से हम धान की रोपाई करते हैं तो धान में हमको पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है। पानी को अगर बाकी सारे मेथड से हम धान की रोपाई करते हैं तो हमें पानी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, पानी में के जड़ क्षेत्र में हमको पानी पौध की जड़ क्षेत्र में भरा होना चाहिए। और श्री पद्धति में हमको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ उसका जड़ क्षेत्र नम होना चाहिए। कम से कम पानी में भी हम SRI मेथड से धान तैयार कर लेते हैं। ठीक,
तो ये हो गई धान की पौध तैयार करने की विधियाँ, कौन कौन सी, वेट मेथड भीगी विधि, दूसरा ड्राई मेथड शुष्क विधि, थर्ड है डेबोग मेथड। डेबोग मेथड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना मिट्टी के धान की पौध तैयार करने की विधि का नाम लिखिए, तो डेपोक मेथड सबसे अधिक प्रचलित विधि कहाँ है, फिलीपींस में। डेपोक सबसे ज़्यादा प्रचलित फिलीपींस में है, वहाँ से भी दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ हमारा क्या है, एसआरआई मेथड या श्री पद्धति। श्री पद्धति सबसे ज़्यादा प्रचलित इजराइल में है। इसके अलावा यह विधि जो है किसने विकसित की, हेनरी फ्रांसीसी पादरी जो थे, हेनरी डे लावलारी ने 1983 में मेडागास्कर में विकास किया, इसीलिए इसको हम मेडागास्कर विधि भी कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई धान की पौध तैयार करने की विधियाँ। चार विधियाँ हैं, वेट मेथड, ड्राई मेथड, डेपोक मेथड और एसआरआई मेथड। इन विधियों का प्रयोग करके हम धान की पौध तैयार कर लेते हैं। ठीक, धान की पौध हमेशा तैयार करने के लिए हमको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि पौध को तैयार करने के लिए जब हम नर्सरी में बीज की बुआई करें, हमेशा बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के लिए मैंने दवाएँ पहले भी बताई हैं, फीरम है अथवा कैप्टान है, 2.5 से 3 ग्राम। ठीक, कितनी मात्रा, 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज को उपचारित कर लेंगे। इसके साथ साथ नर्सरी की मिट्टी को उपचारित कर लेंगे तथा मिट्टी में हम इंसेक्टिसाइड पाउडर या कीटनाशी दवाओं का भी प्रयोग कर लेंगे, जिससे कि हमारे खेत में या नर्सरी में इंसेक्ट या कीटों का प्रकोप ना होने पाए। इस प्रकार से अगर हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं तो हमको धान की एक अच्छी पौध हम तैयार कर सकते हैं। और किसमें कितना क्षेत्रफल लगता होता है, जैसे अगर हम वेट मेथड ड्राई मेथड प्रयोग करते हैं तो नर्सरी का या रोपाई के जितना हमको खेत में रोपाई करना उसका 1/10% एरिया जरूरत होता है। डेपोक मेथड में 25 से 30 मीटर² क्षेत्रफल आवश्यक होता है। ठीक, तो ये चार विधियाँ हैं जिनसे हम धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ठीक।